सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुनो फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पेन ईयर वैसे कस्टमर का आधार पे कैसे करेंगे। आज की सुनो फ्रेंड्स बताने वाला हूँ आधार विड्रॉल आधार पे सेम ही प्रोसेस है। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ कस्टमर का आधार पे से विड्रॉल कैसे करेंगे। आज की सुनो पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले पेन ईयर वाई एप्लीकेशन ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले आईडी पासवर्ड डालकर आपको ये एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना पड़ेगा। पहले से मैंने एप्लीकेशन लॉगिन करके रखा। चलिए यहाँ पे कि बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे आधार विड्रॉल, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, माइक्रो एटीएम, मनी ट्रांसफर, क्लेम रिफंड, यहाँ पे खाता बचत, यहाँ पे शॉपिंग कार्ड, ये सारा फीचर आपको यहाँ पे देखने के। पेन ईयर वाई में यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 25 से भी ज़्यादा कस्टमर को यहाँ पे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए UPI QR कोड, यहाँ पे MPOS, यहाँ पे SMS पेमेंट कर सकते हैं। साइड में देखिए यहाँ पे आधार पे, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना, आपको यहाँ पे कोई सा भी डिवाइस आपको सिलेक्ट करना है। मैं जैसे मेरे पास यहाँ पे मंत्रा है, मैं मंत्रा सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मंत्रा सेलेक्ट करने देखिए दो चीज़ें पैसा निकाल सकते हैं यहाँ पे आधार पे से, आधार कार्ड से या आधार वर्चुअल डेबिट का है, आधार वर्चुअल से। ये दोनों चीज़ में है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे मेरे आधार कार्ड में आधार नंबर कस्टमर के यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर बैंक चूज करना। कस्टमर का जो बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पे पूरा चूज़ कर लेना है। पूरे बैंक की लिस्ट आ चुकी है। जैसे मेरे कस्टमर के पास है यहाँ पे HDFC बैंक, मैं HDFC बैंक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमर का जितना अमाउंट निकालना चाहता है वो कस्टमर का यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कस्टमर का एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 15 रुपीज़ निकालना चाहता हूँ, 15 मैंने डाल लिया। अब यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट में आधार नंबर, सेकंड में बैंक आपको, थर्ड में यहाँ पे अमाउंट डालना, फोर्थ में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना। यहाँ पे नेट डम्स को एक्स्ट्रैक्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मिनिमम अब यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं कस्टमर। 100 रुपीज़ मैंने डाल दिया, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ देखिए आपको इस तरह को आपसे यहाँ पे फिंगर स्कैन आपको करना है। चलिए यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के साथ यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने कनेक्ट करके नहीं रखा है। मैंने यहाँ पे फिंगर डिवाइस को कनेक्ट किया, पूरे आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आपके पास खुल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, मेरा 100 रुपीज़ यहाँ पे गया। अब यहाँ पे रिटेलर के कमाए हुए यहाँ पे 1.95 रुपये रिटेलर के कमाए हुए हैं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कितना पैसा बचा है यहाँ पे अकाउंट में, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अकाउंट में पैसा। अब तो मैंने आपको ये दिखा दिया यहाँ पे आधार पे कैसे किया था, आधार पे मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, 100 रुपीज़ पैड हो गया मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ मिनी स्टेटमेंट करके, वहाँ पे ये पैसा 100 रुपीज़ यहाँ पे निकाला, शो कर रहा कि नहीं कर रहा। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद चलिए मैं आपको पूरा दिखा, यहाँ पे साइड में देखिए मिनी स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करना है, आपके पास कौन सा डिवाइस है। डिवाइस मैंने सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपको देखिए आधार नंबर डालना है, वर्चुअल नंबर ये को भी आपके पास आधार नंबर, बैंक सेलेक्ट करना, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना। चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखलाता हूँ। यहाँ पर आगे आप देखिए फिंगर स्कैन पर क्लिक करना पड़ेगा, परमिशन में अलाउ दे देना। अलाउ देने के बाद आपको कस्टमर के यहाँ पर आपको थंब लगवाना पड़ेगा। चलिए कस्टमर का मैं थंब यहाँ पर लगवा देता हूँ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अटैक कर लेगा। रिटैक करने के बाद पूरी डिटेल्स आपके पास खुल कर आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पे कस्टमर का अभी आधार पे से करा वो 100 रुपीज़ यहाँ देखें, ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़। यहाँ पे टाइम इसका डेट देख सकते हैं, रिटेलर कमा मैंने उस समय बताया था 1.95 रुपये रिटेलर कमा यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे मैंने जिस बैंक से आपको लिखा HDFC बैंक से निकाल के दिखाया था वो शो वाला, जिस नंबर मैंने डाला था वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो गए। सो इस तरह से यहाँ पे कस्टमर का आधार पे कर सकते हैं, यहाँ पे आधार पे से विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। सो आई होप की वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कन्फ्यूजन है कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।